चलिए आज एक और अपनी नई स्टूडेंट से मिलवाता हूँ। नाम है महिमा पवार, जिसकी ऑल इंडिया रैंक 235 है, अलीगढ़ यूपी से हैं। तो महिमा और महिमा को एनआईटी त्रिची अलॉट हुआ है। तो महिमा, सबसे पहले एनआईटी त्रिची के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। महिमा के बारे में बताना चाहूंगा कि महिमा ने बीएससी फाइनल ईयर के साथ अपना ये एमसीए में रैंक आई है, तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। कई लोग जो फाइनल ईयर में होते हैं उनके ऊपर हमेशा प्रेशर होता है कि फाइनल के साथ कैसे मैनेजमेंट करेंगे। तो महिमा, मैं चाहूंगा कि आप अपनी जो सक्सेस स्टोरी है वो डिटेल में बताएं कि किस ढंग से आपने, कब आपने पहले तो एमसीए के बारे में सोचा, फिर प्रिपरेशन कैसे की, और ये इतनी अच्छी रैंक जो आपकी आई है वो और कॉलेज का मैनेजमेंट दोनों आपने कैसे किया। तो सर, मुझे आपके जो साइट के बारे में पता चला था वो सौरभ शुक्ला सर के थ्रू पता चला था। तो सेकंड ईयर में मैंने जो है पेन ड्राइव, नहीं, मैंने सोचना स्टार्ट कर दिया था कि मैं सेकंड ईयर में पेन ड्राइव लूंगी, पर फाइनल ईयर जब मेरा स्टार्ट हुआ था तब मैंने पेन ड्राइव लिया था जुलाई में। तो जब स्टार्ट पेन ड्राइव ले लिया तो 1-1.5 महीने तक तो स्टार्ट ही नहीं कर पाई, सोच के कि पता नहीं कैसे होगा, कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो मेरा जुलाई अगस्त ऐसे निकल गया। उसके बाद थोड़ी थोड़ी हिम्मत करी कि नहीं, थोड़ा स्टार्ट तो करना पड़ेगा जब पेन ड्राइव ले लिया। तो मैंने सितंबर अक्टूबर में थोड़ा स्टार्ट किया था पढ़ना, फिर भी क्योंकि कॉलेज का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, प्रोजेक्ट बनाने होते हैं फाइनल ईयर में, तो मैं इतना मैनेज नहीं कर पा रही थी। उसके बाद मुझे ध्यान है दिसंबर से मैंने ठीक से पढ़ाई स्टार्ट की थी, दिसंबर से तब मैंने अपना कोऑर्डिनेट स्टार्ट किया था। और बाकी मुझे लग रहा था मैं इंटीग्रेशन छोड़ दूंगी, अगर मई में एग्जाम होता तो मुझे ये था कि मैं अपना इंटीग्रेशन छोड़ दूंगी और ये ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दूंगी, मेरा ये था। फिर दिसंबर निकल गया, थोड़ी बहुत मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। जनवरी से मैंने सिंसियरली पढ़ाई ज्यादा अच्छे से करी थी, तो पेन ड्राइव को आए हुए 6 महीने हो गए थे, पर जो मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई थी वो जनवरी से हुई, कोऑर्डिनेट तमीज से करा और बाकी सारे चैप्टर्स मैंने तमीज से किए। और फिर मार्च में तो लॉकडाउन लग ही गया, तो मुझे लगता है मेरा टर्निंग पॉइंट मार्च वाला था, क्योंकि जब आपसे कनेक्शन हुआ लाइव तो वो अलग ही मोटिवेशन फिर मिलता था। उससे पहले मैं इतनी डिसिप्लिन नहीं थी, बट जैसे ही आपके थ्रू पढ़ना स्टार्ट किया लाइव क्लासेस के थ्रू, तब थोड़ा पूरा टाइम टेबल बनाना स्टार्ट कर दिया मैंने अच्छे से, और पूरा उस हिसाब से मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जैसे जैसे आप बोलते थे वैसे वैसे करना स्टार्ट कर दिया। तो यही रहा, फिर कई कई टाइम ऐसा लगता था कि नहीं हो रहा है, टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, रैंक नहीं आ रही है, कुछ फायदा हो नहीं रहा है, पर फिर आप संडे जो टेस्ट होता था उसका एनालिसिस करते थे, तो फिर आप मोटिवेट करते थे कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन सब चीजों से, बस एनालिसिस करो ये और वो। तो आपकी बातें मानते मानते फिर हम लोगों ने जो है इतना अपने आप को पुश किया। देखो महिमा, कितनी अच्छी बात बोली। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें किसी के लिए पॉजिटिव होती है, कुछ चीजें निगेटिव होती है। जैसे आपने अभी खुद ही बोला कि देर से पढ़ाई स्टार्ट की, और क्योंकि पेनड्राइव के बाद ही तो ये हमारे दिमाग में था कि हमें लाइव इसलिए करना था कि पेनड्राइव से बच्चे पढ़ते तो हैं पर वो डिसिप्लिन उनका नहीं होता, तो उसके लिए लाइव क्लास स्टार्ट की, टचवुड की वो समय रहते हुई तो कोविड का फर्क नहीं पड़ा। पर कोविड जैसे किसी के लिए निगेटिव था तो किसी के लिए पॉजिटिव था। आपको एक बूस्टअप मिल गया वहां पर कि अरे अब टाइम मिल गया है, और वो पढ़ाई ने आपको काफी ज्यादा इन्हेंस किया, और उसके वजह से देखो आप कितनी अच्छी रैंक आई। तो कई बार कुछ चीजें पॉजिटिव होती है, कुछ निगेटिव। मैं हमेशा बोलता हूँ हर चीज में पॉजिटिव कैसे ढूंढ सकते हैं, तो वो आपने उसका पॉजिटिव ढूंढ लिया बिल्कुल। नहीं तो कई बच्चों ने, जो ऐसे भी बच्चे हैं जिनने कोविड की वजह से पढ़ाई छोड़ दी, वहीं कुछ बच्चों ने पढ़ाई कर ली, और देखो रैंक। अब आपकी पढ़ाई करने का फायदा ही हुआ कि आज आपके पास पूरा एक साल भी बचा और आप इंडिया के नंबर वन कॉलेज में हो, केवल इसलिए क्योंकि आपने उस समय को यूटिलाइज कर लिया। जी सर। तो अच्छा ये बताओ, ड्यूरिंग कोविड आपका मतलब ये मार्च के बाद, फिर आपका क्या रूटीन रहता था? क्योंकि अक्सर बच्चों को ये मन में रहता है कि जब हम ऑनलाइन घर पर पढ़ाई कर रहे होते हैं तो रूटीन सेट नहीं होता, पर मेरा मानना है जो डिसिप्लिन है वो अपना रूटीन मेंटेन रखता है। तो आपका क्या रूटीन था? सर पहले मार्च से पहले मेरा ये था कि मैं शुरुआत से जितना भी मेरा स्कूलिंग टाइम रहा मैं रात में पढ़ाई किया करती थी, बट जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो मैंने एक चीज रियलाइज की, जब मैं सुबह वाला पार्ट अगर अपना नींद में चला जाता तो मैं ठीक से नहीं पढ़ाई कर पाती पूरे दिन। तो फिर आपकी सलाह मान के मैंने सुबह जल्दी उठना स्टार्ट किया, क्योंकि उस वक्त माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है। तो फिर वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था, बट फिर भी मैं 6 बजे उठ जाया करती थी, और जैसे आप कहते थे कि एक्सरसाइज करना है और मेडिटेशन करना है, तो वो भी फिर मैंने स्टार्ट कर दिया, उससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प हुई। सो फिर एक चीज जो मैंने बहुत कंसिस्टेंटली करी है वो मेरा टाइम टेबल एक रात पहले। मुझे लगता है कि ऐसे नहीं कि 1 महीने का टाइम टेबल एक साथ बना दिया, वो पॉसिबल नहीं होता है फॉलो करना। तो एक रात मेरा हाँ टारगेट रहता था कि 1 महीने में इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं कि या रिवाइज करना है, बट जो पर डे का होता था उसका टू डू लिस्ट हमेशा बना देती हूँ मैं रात में, कल मुझे क्या क्या कंप्लीट करना है, तो मुझे उससे काफी हेल्प हुई।
और फिर आपके सेशन सुनने के बाद मोटिवेशन आ जाता था दिन में, जैसे अगर नींद आ रही है तो बस सर मोटिवेट करते थे तो नहीं कि नहीं अच्छे से करना है, ये टाइम है प्रूव करने का खुद को, तो सर ऐसे ही हो गया। और सर मैं अगर बात करूँ लास्ट के दिनों मैंने काफी ठीक से पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी थी। प्रोडक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो हाँ वो 10 to 12 hours में प्रोडक्टिविटी के हिसाब से मैं पढ़ लेती थी। देखो महिमा आपने कितनी अच्छी बात बोली, सब बच्चों का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। मैं हमेशा कहता हूँ बड़े गोल मत बनाओ, बड़े गोल बनाने से कई बार मिस्टेक होता है। हर रात को सोने से पहले अगले दिन का टारगेट रखो, वो अचीव करो। सुबह उठ के पढ़ना हमेशा बेनिफिशियल होता है, रात को जागने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, सुबह हम फ्रेश होते हैं उसमें हमारी पढ़ाई इफिशियंसी सब बढ़ता है। तो मैं ये बहुत अच्छी बात बोली आपने, क्या होता है कि कई बच्चे ये बात समझ नहीं पाते, हम बहुत लंबे लंबे हमें ये करना है, महीनों के प्लान बना लिए होते एक दिन में फेल, उससे अच्छा है छोटे छोटे प्लान बनाओ और उनको अचीव करो तो एक अंदर से अलग से खुशी होती है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है पढ़ाई करने का। तो महिमा बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे जो इस समय सेकंड ईयर या फाइनल ईयर में है, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? मैं ये कहना चाहूंगी कि छोटे गोल सेट करो, और हो सकता है कि कभी कभी तुम नहीं कर पाओगे वो गोल्स भी अचीव, छोटे भी होंगे और तुमको लगेगा कि तुमसे कुछ नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, ब्रेक लेना जरूरी है। और उसके बाद जब ब्रेक के बाद तुम स्टार्ट करो तो और ज्यादा मेहनत के साथ स्टार्ट करो, और जो सर कह रहे उनकी बात मानते रहो, सर बिल्कुल ठीक कहते हैं। चलो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा बेटा आपसे बात करके, और सबकी लाइफ के बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। अब आप आगे भी NIT त्रिची में बहुत अच्छा करो और जीवन में बहुत ऊपर जाओ, और वो लोग जो डीमोटिवेट होते हैं या जो भटक जाते हैं उनको गाइड भी करो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बेटा।